मेरे पास 4-5 गांव से शिकायतें आई थी कि भाई मनरेगा का पैसा नहीं मिला, इन्होंने 2-2.5 महीने से काम किया है, आपका तालाब खोदा है, कंटी खोदा है पार्कोलेशन में। तो जो शिकायत आई है कि बहुत लोगों के नाम मस्टर में डाले नहीं गए हैं, और जिनके नाम डाले गए उनकी पेमेंट नहीं डाली गई। अब दिक्कत क्या रही कि सचिव कहता है पेमेंट डाल दी है, और बैंक वाले कहते हैं कि हम एंट्री करके देंगे नहीं। तो बेचारे मजदूर बैंक भाग रहे हैं, जनपद भाग रहे हैं, सचिव के पास भाग रहे हैं, और इनको पेमेंट मिल नहीं रही। कल इनका त्योहार है पोला का, और आज इतनी मेहनत करने के बाद भी इनके पास जेब में एक पैसा नहीं है। तो वही शिकायत और ज्ञापन हम टीमली जी को देने आए थे। तो टीमली जी ने बोला कि सबके जॉब कार्ड नंबर और नाम लिख के देता हूँ, इसकी जाँच करवाएंगे। पैसा आ जाना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे एफटीओ यहाँ से होता है, पूरा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, कभी कभी खाते बंद भी रहते हैं या खाता डारमेंट यदि रहता है तो वो क्रेडिट नहीं हो पाता है। इसके अलावा कभी कभी यदि एक ही व्यक्ति का जो खाता नरेगा में उसने दिया है और उसका एक से अधिक खाते यदि हैं और आधार लिंक यदि किसी दूसरे खाते में है तो वो आधार लिंक वाले खाते में पैसा चला जाता है, ऐसी भी स्थितियां रहती हैं। तो जब तक इंडिविजुअल श्रमिक वार उसको देखेंगे नहीं तब तक उसमें निश्चित रूप से कुछ कह पाने में मतलब संभव नहीं है। देखने के उपरांत ही तथ्यात्मक स्थिति से अवगत कराया। सर इसके पूर्व में भी 1 महीने पहले टीवी में इस तरह का हर मामला आया था। हाँ, डेमी में जांच रिपोर्ट उन्होंने जांच कर ली है, जांच के लिए भेजा था। अभी वो प्रतिवेदन मुझे मिलना अपेक्षित है। इलेक्शन के कामों में वो बीपीओ जो था वो लग गया था, तो शीघ्र ही उसमें मंगाता हूँ मैं। जांच कार्य उन्होंने कर लिया है, प्रतिवेदन उनको देना शेष है। अभी दावे आपत्ति का काम काफी समय सीमा में करना था, तो शायद उस वजह से बना नहीं पाया, मेरी चर्चा हुई थी। तो आएगा जो भी रिपोर्ट।